हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजस्वी सीडी में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वीडियो छोटा होगा मगर धमाका उतना ही बड़ा होगा, तो आइए इसको सीखते हैं विद इन सेकेंड। दो सेकेंड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर मुझे दो सेकेंड में सॉल्व करना ही पड़ेगा तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए। देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा मुझे 8 से 10 सेकंड लगे होंगे और मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और आइए इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए भैया, जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए तो क्या करेंगे, देखेंगे अगर आगे की डिजिट अगर सेम है और पीछे वाली डिजिट दोनों का सम करने पे, उसे जोड़ने पर अगर 10 आए तो हम क्या करेंगे कि इसका अगले वाले नंबर यानी कि 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 12, और 1 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नहीं लेना है तो हम 0 बढ़ा करके 9 लिखेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, आइए अगला करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी डिजिट सेम है, आगे वाला 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 से करेंगे, कितना होगा 20, और 2 का 6 से करेंगे। ठीक है, कितना होगा 12। अगला है 5 है, इसके अगले से करेंगे क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, 6 से करेंगे, 5 6 30। ठीक है, और 4 का 6 से करेंगे, कितना होगा 24। यहाँ भी डिजिट सेम है, 11 11, इसके अगले से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 से करेंगे, कितना होगा 132। ठीक है, और 3 का 7 से करेंगे, कितना होगा 21। देखिए, हम ट्रिक की वजह से कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।